देगा नहीं, शादी में अब्दुल्ला दीवाना चल रहे। ट्रैफिक ट्रैफिक और बस ट्रैफिक। अरे यार, मैं तो ये चीज आपको बताना ही भूल गया और लगाना भी भूल गया। आपको पता है वाओ स्किन साइंस की नई सनस्क्रीन रेंज आई हुई है हर एक टाइप के स्किन के लिए। एक ड्राई स्किन के लिए है, एक ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, और एक है फॉर ऑल स्किन टाइप। अभी मेरी स्किन कौन से टाइप की है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यूज करता हूँ वाओ सनस्क्रीन की सनस्क्रीन जेल फॉर ऑल स्किन टाइप्स विद SPF 55। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है UVA एंड UVB रेस से। एनरिच्ड विद नेचुरल एलो एंड हेलुरोनिक एसिड, इट्स लाइटवेट, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, नो व्हाइट कैस्ट एंड स्किन में क्विकली अब्सॉर्ब भी हो जाता है, और आपके स्किन को मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्टेड भी रखता है। मतलब ब्लू लाइट रेडिएशन और सन डैमेज से आपको प्रोटेक्शन, स्किन को डीपली हाइड्रेट भी रखता है, मॉइस्चर को लॉक भी रखता है, और आपके स्किन को वाटर रेजिस्टेंट भी रखता है 2 घंटे तक। मेरी स्किन तो अभी प्रोटेक्टेड रहेगी, आपका क्या? धूप से सुरक्षा पाना है तो वाओ स्किन को अपनाना है बच्चा। और एक बात, अगर लेना ही है तो आपके भाई का कोड यूज करके लेना, श्रीमान 20, 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूज कोड श्रीमान 20 टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन www.buywow.in। बाय बाय, मैं चला राइडिंग को। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इले इले ओ, इले इले ओ, इले इले ओ, इले इले ओ, 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 स्पीड ब्रेकर्स के दिल में बच्ची रास रूप रूम लाका 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 चिबिली की तमाना को चौका नाका बिगे नाका उरुपाक्स की बिग। स्वागत है आपका आपके भाई की चैनल श्रीमान लेजेंड पे। यहाँ पे हम व्लॉग्स बनाते हैं, समाज में इज्जत देते हैं, बच्ची के दिल में बटाटा वड़ा सांबर इडली डोसा ना मेरी जाने तमन्ना। आज हम जा रहे हैं अपने गाड़ी को सजाने के लिए, अपने गाड़ी को बचाएंगे थोड़ा सा स्क्रैच से, धूप से और कुत्तों कमीनों से, लगाएंगे गाड़ी के ऊपर PPF, मजा आएगा मेरी जाने जनाब। ओई ओई ओ हंगी इन द माइक्स बेबी। मैं फ्लाइट से कार्गो में गाड़ी डाल के यहाँ पे आया स्पेशली करण को पिक करने के लिए, ताकि वो मेरे साथ आ सके PPF के सेशन में मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे जब मैं गाड़ी छोड़ू तो वो मुझे पिक करके एयरपोर्ट पे छोड़े, समझ रहे हो। बाकी कुछ विषय नहीं है तो व्लॉग चालू हो गया है, और मोटो व्लॉग आ जाता है तो एनर्जी भी उतनी ही आती है, मजा भी आता है आपको भी और मुझे भी। अप्पा अप्पा चल पप्पा, ईदगा ना करा गुलगा ना करा चिलबा ना करा गोंडा बना करा गो ना करा गप्पा। पांचवे गियर सावा गियर, ये गाड़ी सुकूने जनाजा है, सुकूने जनाजा। अभी मैं निंजा और इसकी कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करने वाला इस व्लॉग में हम बाकी की बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, बच्ची रे बच्ची कर देंगे खच्ची। पिछले व्लॉग में आपको मैंने बोला था सावरकर मूवी आपने देखना चाहिए, तो प्लीज़ स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि उस मूवी को समाज में इज्जत है मेरी चचिड़ू। और अब अपन किधर जा रहे हैं डिटेल में बताता हूँ। कैसा है कि ये जो PPF है, ये लेन देन का विषय, मतलब अपन उनको रील बना के देंगे, वो अपने को PPF करके देंगे, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बना के देने वाले PPF। तो अपन व्लॉग तो बाय डिफॉल्ट बनाते हैं, ये तो उनको भी पता होगा, तो ये तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है सब जगह से, अपना तो फ़ायदा होता ही है, सामने वाले का भी फ़ायदा हो तो बेटर है। आपको कहाँ पे मैं PPF करता हूँ वो पता चलेगा, कैसा है PPF कैसा नहीं है ये आपको आफ्टर दैट PPF पता चलेगा, वो इस व्लॉग में शायद ना पता चले, क्योंकि उसको लगेगा टाइम है कि नहीं। कल मैं एक ट्रेकिंग के लिए जाने वाला था, बट अचानक में भयानक सब लोग कैंसिल हो रहे हैं, ओनली रानी अवेलेबल है, तो रानी और मैं दोनों ही जाए क्या ही मजा आए, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। दोस्तों ये करण जो है वो इस ट्रक वाले को बड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उसने केड़ा खाया और नीचे फेंका, और उसके लिए वो तमाशा कर रहा है एक छोटी सी पिद्दी सी चीज़ के लिए। लेकिन एक केड़ो आपकी जान ले सकता है, अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन पिक्चर देखी हो तो आपको पता चल सकता है कि एक केड़े के ऊपर से अगर आपका आगे का टायर सरका
और आप ऐसे कलंडे और पीछे से बड़ा ट्रक आपके मेंदू के ऊपर से गया तो वो केड़ा आपके जान का दुश्मन हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो करण ने बराबर उनको उरड़ा, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके उरड़ने की वजह से धूल मैं खा रहा हूँ बीचों बीच में। लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ मैं, स्लो चलाने का व्यक्ति तो है, वो देखो स्विफ्ट वाला फटाफट गया, बट मैं धीरे चला रहा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ करने में इंटरेस्ट उतना अभी तक आया नहीं, ऊन भी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं। आप पच्ची के दिल में कुत्ता, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा टंचाई होने की वजह से ये देखो पानी मारा जा रहा है, लेकिन हम घाम से ओले होते जा रहे हैं। मेरी गजगोटा वहाँ से करण बोल रहा है ये कंटिन्यू बड़बड़ कर रहा है, रुकता ही नहीं है, तो मैं बड़बड़ करने का ही तो पैसा लेता हूँ, रुकूंगा कैसे बच्चा, लेट्स गो। साला नेपचा गायब हो गया आंखों ही आंखों में। अपन लॉन्ग राइड जाने वाले होते हैं, हमेशा का रहता ही है, इनको पता के रखा था कुत्ते को कि अपन जाने वाले, फिर भी इसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अब पेट्रोल के लिए रुकना पड़ेगा, उधर टाइम पास होगा, लेकिन अपने पास ऑप्शन भी नहीं है, पेट्रोल भरते हैं, अपना तो टेंशन है, अपन ने फुल करके रखी है टाकी, और एक बार इसकी टाकी फुल हो जाए तो 450 किलोमीटर जाती है ना मेरी जाने जज्जी। ओबे ओबे गड़गोबे टॉप कास्ट, केवड़ा खुश का हाल, एवढा गाडी आवडली, अरे धन्यवाद धन्यवाद। एक दे ना निरा, हां फुल फुल असले डेंजर गरम होते जी, लॉन्ग रूट साठी बनले ना 20 लाख। अरे सेफ गाडी आहे, फोर व्हीलर च्या लेवल ची सेफ, बाकी जड बीड आहे, म्हणजे तेवढे फंक्शन दिलेत ना म्हणून मजा आली रे बाबा। शांतपणे आलास रे, नमस्कार नमस्कार। अच्छा गाडी खाली का, गाडी खाली का। दोस्तों नीरा विक्री केंद्र पे रुके, ये भाई अपने आए मिलने के लिए, ये अपना नीरा भाई, ये इनको भी गाड़ी पसंद आई, और आई माझं कोलकं पडलं, सॉरी सॉरी, और ये भी दोनों आए, इज्जत इज्जत आहे का, ये लड़कों ने भी दोस्तों मुझे देखा, वो बेचारे रिक्शे में उतरे और देखने के लिए आए, मतलब मुझे देखने के लिए आया गाड़ी नक्की का, गाड़ी ला इज्जत नहीं का, क्या बोल रहा है करण, मैंने बोला तू इसको पहचानता नहीं है, फोटो क्यों निकालोगे, हाँ ये पहचानते भी नहीं है दोस्तों, फिर भी इन्होंने फोटो निकाला, चला नहीं गोया। आपको दूर दराज पे दिख रहा होगा वो लड़का, देखो ऐसे भाग के आ रहा है, काय बोला ऐसे बोला था, काय बोलना बोला, एवढा उन्हातना चाल रे बिचारा, नाही त्याला त्याला चुम्मा दे, त्याला मेन किसिंग हवी, अयो ए कम ऑन कम ऑन, थांब तू जा, तसं तर बारीक झाला तर झाला, ये लवकर, हां धावत जा, धावतो ना रे मध्ये तुझा। गाइस मैं श्रीमंत आपका हेलमेट लेके घूम रहा हूँ शूट के लिए, हाँ तुम्ही फोटो द्या त्यांना आठवणीत, हाँ चला येऊ का, चला चला वनो टेक केअर, हाँ अच्छे रे सब चायला, वो लड़का मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ से भाग के आया, मैं दिखाता हूँ तुमको, देखो ये अभी गाड़ी कंटिन्यू चल रही है क्या, कंटिन्यू चल रही है ये, कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, धक 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 धक, यहाँ से वो भाग के आया, देखो यहाँ से इस जगह से वो भाग के आया बेचारा, काय बोलाच रे, हाँ काय बोलाच काय तुम्हाला, आईच्या गावात रे शपथ, और मैं आई शपथ कितना भी बोलूँ किसी भी ब्लॉग में किसी भी स्ट्रीम में कितना भी बोलूँ सच में कम है यार, इसलिए मैं आजकल ना एकदम नंब हो गया हूँ इन चीज़ों को लेके, ऐसा चाहे यार मतलब बोलो तो क्या बोलूँ, ये प्यार को मैं क्या नाम हूँ, इस पर कोई एक गाना याद आ रहा है, रुको इमोशनल ना होते हुए गाना गाते, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, अरे यार नेपलम आगे रह गया, तो मैं गाड़ी जरा स्लो ही चलानी पड़ेगी मेरी कचकुंडा, ए आला रे आला, अपना फेवरेट हाईवे आला,
आयुष्यभर तुमचा भाऊ याच हायवे वरून गेला. तुम लोगों के ढोले भी नहीं दुखते ना, ये हाईवे देख देख के कितनी बार ये देखोगे बे, कितनी बार बिल्डिंग, कितनी बार सेम सेम चीजें देखा. आयचा गावत टोम्बा टोम्बा गड़गोम्बा. ये देखो यहाँ से अलीबाग जाने का रोड है, अभी तक हम जा नहीं पाए लेकिन अलीबाग की भी राइड करेंगे अपन एकदम प्यारी सी. और ये अपना फेवरेट JNPT हाईवे. यो हनी सिंह इन द मिक्स. ये भी बना रहा है देखो कुत्ता, ये भी वही बोल रहा होगा कि ये आपका मेरा सबका फेवरेट हाईवे है, इधर ही आयुष्य गुजारने का, ये वो यही चीज़ बोल रहा होगा. एक्सपल्स मैन देखो पीठ के पीछे टाइगर लगा के सुसाइड जा रहे ले. इस हाईवे पे 80 की स्पीड स्लो लगने लगती है, बट अपन ज़्यादा भगाएंगे नहीं, इज्जत से ही चलाएंगे. टाइगर रोर करते हुए जा रहे, देखो रोर कर रहा है, रोर कर रहा है टाइगर. थोड़ा हिल भी रहे हवा की वजह से, बट ठीक है, थोड़ा डुप्लीकेट टाइगर है, बट ठीक है, चल जाएगा. आपको क्या ही बताओ इस हाईवे के बारे में यार, नेहमी तो तेते मीना करो शूट चल येनुस तेते 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 तिकडे पेट्रोल पंप इकडे डोंगर हाईवे चार पदरी, इथून आम्ही खस करून गेलो, मी रप करून गेलो, त्यांनी अशी कट मारली, त्यांनी तसं केलं, हे सांगण्यात मला इंटरेस्ट नाही आहे. आपण डायरेक्ट पुढे भेटू हायवे कट झाल्यानंतर. जय माता दी. लेकिन सुनना, मुझे बोलना है, अरे कल स्ट्रीम होने के बाद है ना, मतलब ब्लॉग तो थोड़ा लेट आएगा, पर कुछ दिन पहले स्ट्रीम हुई थी ना भाई, प्रोजेक्टर पे वो फाइटर पिक्चर लगाया था, बस एंट्री है का एंट्री. आयुष्यपत काय मजा आली, मैं और पता देख रहा था भाई, नुस्ता मूवी जैसा फील. मैंने माँ को, माँ सो रही थी, माँ को उठाया और माँ को बुलाया, माँ शॉक हो गई देख के, बोला अरे बाप रे एवड़ी मोटी स्क्रीन, भारी ना भाई, एक नंबर. मैंने बोला कोई अभी मूवी वगैरह देखना हो आपको, मतलब कोई भी जो एक हफ्ते डेढ़ महीने पुराना हो वो आ जाए, जो OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, तो आप कभी भी बोलो आप देख सकते हो एकदम ऐसा रिच फील के साथ. माँ भी खुश, भाई पैसा वसूल है. अभी फिलहाल IPL है तो मैं अपने बुटकैम वाले लोगों को वो देने वाला हूँ, आप लोग मस्त पे की देखो, इज्जत के साथ एंजॉय करो संभाल के. उनका वो चीज़ होने के बाद मूवी भी देखने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ना मेरी जाने चकलूर. और स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ और तब गेमिंग करने की इच्छा हुई तो उसके ऊपर गेमिंग भी तो कर सकते हैं. यस बेबी यस मेरी जाने जबड़ू यस. ये हम फोर व्हीलर की आदत में इतना घुल गए हैं कि हमको लगता है हमेशा कि इसी लेन पे रहना चाहिए, बट टू व्हीलर वालों तुम्हारी लाइक ही उस लेन में जाने की. चल तुझे आई ची, चल तुझे आई ची, चल इकडून भिकारी साला डुक्कर. अभी कसं इज्जत, अरे इज्जत वाडी, ये इज्जत वाडी, मी नाही पीत भाई ताडी, इज्जत वाडी भाऊ घालतो र साडी. ये देखो ट्रिपल सीट गैंग, ये कॉपी, ये गाड़ी का ना, ये देखो, ये अगर मैं ऑन कर दूँ, ये देखो ना, ये ऐसा व्यू रहेगा तो क्या लगता है, देखो ना, आ हा ऐसा 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 रसंगा रबसा आपका. देखो ये ना, ये गियर है ऐसा स्मूथ, ये बाइक उसके लिए बनी है इसलिए वो इतनी स्टेबल और स्मूथ रहती है. आप कोई नाजुक बाइक पे ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि उसको राइडिंग कंट्रोल ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से अपन इस तरीके से है. बाकी कुछ नहीं भाई, बाकी गाड़ी किंग ऑफ द रिंग ऑफ द चिंग है और चम्मा चम्मा पिंग है. JK प्राइम इंडस्ट्री. मुझे एक बात बताओ, मैं व्लॉग्स में या लाइव पे जो ऐसी आड़ू गुंडू बातें करता हूँ, मतलब यत्र मिंडी ना रहे बोला ये सब चीज़ें, या ये मेरी कॉमेंद्र ने बिच्छू, ऐसा कुछ भी बोलता हूँ, ये आपको इरिटेटिंग लगता है क्या कभी? मैं ऐसा फील करना, मुझे चैट में बताना कि आपको ये ऐसा फील होता है कि अजीब सा कि ये क्या ही बकबक कर रहा है भाई, क्योंकि मुझे कभी कभी इरिटेटिंग होता है कि मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है उन शब्दों का, मैं बोल क्या रहा हूँ भाई. तो मुझे बताना जरूर चैट में, ओके मेरी चेगो. अभी थोड़ा सा गाड़ी ठीक से चलाता हूँ, नहीं तो व्लॉग लंबा होता जाएगा और जितना लंबा होता है ना उतना एडिटिंग में समय भी लगता है. मेरी जज्जू, ये देखो फिर से मैंने जज्जू बोला, इसका कोई कनेक्शन है नहीं है फिर भी जज्जू, ये प्रॉब्लम क्या ही बताए यार. हमें ठाणा जाना था और हम है ना JNPT रोड से आए बिना वजह के. प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिना वजह का टाइम भी ज़्यादा खर्चा होने वाला है और किलोमीटर भी बढ़ गए हैं. अभी हम वाशी के अंदर से वो नहीं क्या बीच वाला रोड है वो, उधर से वो अच्छा गावत रे वो जो भी है आपको पता चलेगा यार, तो मुझे लक्षित नहीं रहता कुछ भी. सब राइडर जा रहे हैं आसपास से, बट अच्छे से बाइक चला रहे, कोई ऐसा फालतू छपरेगिरी नहीं कर रहा है, इज्जत से बाइक चला रहे सब लोग. सावरकर जी के मूवी में ना एक गाना है वंदे मातरम करके, आप वो गाना सुनोगे ना आंखों में पानी आ जाएगा आपके, इतना प्यारा गाना है वो.
बहुत दिल से देखा रहे मैंने मूवी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही उस मूवी में घुल गया। अच्छा लगा, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें सीखी उस मूवी से, आपको भी देखना चाहिए। वो लड़का है ना, वो एम्बुलेंस को जगह दे रहा है बेचारा, और बाकी की गाड़ियाँ बिना वजह की रुकी है। देखो एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे लोग। हाँ हाँ, गई 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 एम्बुलेंस, गई गई गई, चल हाँ जा जा जा, कोई नहीं जा। करण वो गाड़ी अड़वने के लिए गया था ताकि एम्बुलेंस को जगह मिले। 60 सेकंड बाकी रहे, आगे रुक। अभी दोस्तों कैसा है, मैंने भी रिकॉर्डिंग चालू किया क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग चालू है और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसा वो बोल रहा है। मैं तो बस पूजा पाठ की बातें कर रहा था, क्या ही बताए। करण तुझा ऐकलं आणि शेण काढलं रे, इस रोड से नहीं आना चाहिए था दोस्त, मैंने बोला अंदर से जाते वाशी से। अरे बाबा अरे सेम रोड बच्चा, ट्रैफिक भी नहीं लगती मेरी कंगो, क्या ही बोले यार, चोमे चोमे गड़गो में। बबलू सुपारी, हाँ चैनल का नाम पूछ रहे हो, बबलू सुपारी चैनल, मेरे चैनल का नाम बता ना उसको, बोनशेवाड़ी, बोनशेवाड़ी का किंग, बोनशेवाड़ी का राजा ब्रो, सब्सक्राइब करना बोनशेवाड़ी के राजा को। चलो टेक केयर। हाँ तुर्बे तुर्बे का एक का इधर ही रहता है। ए करण मैं क्या बोल रहा हूँ, उस फट में ही गाड़ी रख, उस फट से अपन किंग ऑफ द रिंग जा सकते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह, टाकली 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 टाकली, काय डायलॉग होते काकाला। अरे तो स्विफ्ट वाला काय मागून अशी उलटी करून नेतो का गाडी, आता थोडी फट्ट द्या। अरे यार दोस्तों आपको बताता हूँ, इन लोगों ने ना फट देनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि कैसा है फोर टू व्हीलर वाले ना ऐसा कोपरे कोपरे में से जा चले जाते हैं। बट क्या ही फूल ना, फुलाची पाकड़ी। अरे त्या स्विफ्ट वाल्याला सांग ना थोडा राईट लाव, काय माणूस आहे तो स्विफ्ट वाला करण। हाँ किंग किंग किंग, रुका मुझे कॉलेंद्री आया। ये गाड़ी चलाते चलाते एक चीज तो मैं फील कर रहा हूँ कि लद्दाख जाते वक्त पार लोदिया गोदिया होने वाला है शरीर का, ये 100% सही बात है, क्योंकि इतनी गर्मी में अपन निकलने वाले, और तो मई महीना है, मई महीने में विचार करो इतनी गर्मी रहेगी, मतलब यहाँ से दिल्ली क्रॉस पंजाब क्रॉस करने तक इतना गर्म होगा कि क्या ही बताए। अभी देखो ना हम आए, फिर से प्यास लग गई, एक घंटे का सफर भी नहीं हुआ तो प्यास लगी, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी है इस राइड कंडीशन में, क्योंकि ये कपड़े पहन के और ज़्यादा गर्म होता है। मैंने तो अंदर वो जाली वाला टी शर्ट पहना है जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा रहे ना, वो राइनॉक्स का लिया था, वो जानबूझ के वो पहना है, गर्मी बहुत है ना, भयानक गर्म हो रहा है भयानक, और ऊपर से जो पैंट मैंने पहनी है सुरक्षा कवच वाली, इसमें तो पाए भी मेरे बाइश पड़ गए इतने कि पाए से घाम नीचे उघल रहा है। बट पता नहीं यार, ये राइडिंग एक अलग फील है, चलाते वक्त अलग ही फील आता है, मज़ा ही आ जाता है। ये सारे जो मतलब क्या कहते हैं उसको, स्ट्रगल जो हो रहा है अंदर ही अंदर, वो मज़ेदार लगने लग जाता है। मतलब वही बात हुई ना कि जो चीज़ आपको पसंद है आप वो करते वक्त कभी थकते नहीं हो और कंटालते नहीं, वैसा ही विषय है। इसलिए आप जो चीज़ कर रहे हो पहले तो उस चीज़ से प्यार करना सीखो, कोई भी काम हो लाइफ में, पढ़ाई हो या अपने दोस्तों के साथ दोस्ताई हो या अपने प्रेमिका के साथ प्यार हो, उनसे पहले तो दिल से प्यार करना सीखो, उनसे मन से मन मिलाओ, दिल से दिल मिलाओ, जज्बे से जज्बा मिलाओ, ख्यालातों से ख्यालाते मिलाओ, और मतलब फ्यूचर से फ्यूचर मिलाओ दीजा आएला, तब जाके काम चालू करो, व्यवहार तभी हो पाएगा, है कि नहीं। आज पहली बार अपन वो घोड़बंदर रोड का शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, हम इस एरिया से जा रहे हैं। यहाँ पे ना दोस्तों ये अपना वो जेल, फेमस जेल है, यहाँ पे अपने संजय दत्त जी जो है ना वो भी ये थे, मतलब भर्ती थे ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ब्रो डेंजर, बलो बलो को सुधारता ना मेरी जान, यगला 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 यगला। बहुत टाइम के बाद यहाँ से आया हूँ भाई, ये जेल वगैरह ना देखते ही डर लगता है रे, देखते ही डर लगता है। बाबा लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ जियो, कोई गलत चीज़ें मत करो, गलत काम मत करो, बस इतना ही है बस, क्या है। और ये देखो लड़की खेल रही है वहाँ पे, अरे वाह नाइस भाई, इतने धूप में खेल रहे लोग यार, स्त्रेत तो स्त्रेत ही जाने का है मेरे कचकोंडा। अरे दोस्तों ये करण है ना, करण इतना अनपढ़ है,
मेरे पीछे रहने को उसको बोला है, वो कहाँ पे चला गया पता नहीं, मेंटल साला एक कोरड बिरड के यहाँ पे चला गया गधा कहीं का। और अभी मुझे पूर्णपणे वो ऊन में बस के पूरा वो चेकिंग करना आ रहा है, आखा भिजलो है मी, त्यात ती पोरं पण भेटली, त्यात ते बोलतात हेल्मेट पण काढ। अरे मी आत्महत्या करू, किती गरम होते आई। अरे मेरी मेरे को थकवा आ रहा है। तू उधर किधर गए अपना मुंह काला करने कुत्ते? नहीं नहीं रुको, अभी तुम उधर ही खड़े रहो, मुझे तुम पता चल गए हो। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी। ये देख कार्यालय आ गए, जिलाधिकारी दंडाधिकारी कार्यालय आ गया है। आई ची खटखट रे, तुझी लायकी नहीं करण भाऊ, तू झिरो है झिरो। अरे तो बिचारा पोरगा मला भेटला, त्याला मी खोटं बोललो, त्याला बोललो अरे करण असा ॲक्सिडेंट झाला आहे मला जायला लागेल भाई, तर तो बोलतो ठीक आहे भाऊ जा, त्यांनी फोटो काढले आणि गेलो रे मी, मला वाईट वाटते, तुझी लायकी नाही भाऊ। आता अभी देख, तूने जो मला मार्कर दिया है, हाँ धर्मवीर आनंद दिघेजी टॉवर, तो मैंने वो सर्च करके आया तो हूँ, बट मुझे तू दिख नहीं रहा है दोस्त। देख आया क्या? अरे तू इधर बिल्डिंग गया? अच्छा तू बिल्डिंगों के साम्राज्य में है क्या? अरे तू उधर क्यों गया है तालाब पाली में पगले? अरे एवडा उन्हाचा कॉल कोण करता है यार? गावात भा लदाखला एक मर्डर फिक्स होईल आपल्या हातनं भाई, या गर्मीत नाही जगू शकत मी। अरे तो बघ अरे तुझी लायकी ना, अरे ही जी साडी नेसले ना, यात एवढं गरम होते ना, तू इमेजिन नाही करू शकत, इमेजिन। कैसा परफेक्ट आहे, इज्जत आहे का नाही? अभी फिर से लोकेशन करता हूँ जाते, देखी होगी ना देखी होगी, ये लो तलाव पाली ब्लॉग में है तलाव पाली, और इधर सिग्नल विग्नल कुछ नहीं है देखो। आड छोड़, अरे बघत रिक्षे वाला सिग्नल पाळत नाही रिक्षे वाला, जाऊ दे भाऊ, काय विषय नाही। दाग 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 दाग
जॉब पे आता था तो कभी कभी फावले वेड़ में यहाँ पे आता था, बहुत अच्छा लगता था। अब मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जॉब नहीं करता हूँ। सिंपल, मैं डिम्पल का पाड़िया, माजी सोनिया, माजी गोंडू, आईची कट कट ना ब्रो बांधिल के। अभी बराबर से आ रे मनहूस, अभी इधर से राइट मारना है, अभी लेफ्ट। गाइस करण ने वो लड़कियों को देख के वाव किया, देखा आपने, मुझे लगा ही था ये कुत्ता करेगा। आई शपथ, मैं क्या बोलने वाला था पता है क्या, ये देखो करण आपकी बहन है, बट मैंने बोला थोड़ा वेट करता हूँ और लगेज कसला बोलला तो वाव का एरिया है। अरे देवा, कोणी तरी याला सुधरव रे, पोरी बघितल्या का चेकाल्टो रे। हा अरे याला कोणीतरी समजव रे, आईच्या गावात बासुंदी। नमस्कार, काय म्हणता मजेत? अरे आई ग, खूप दिवस झाली इच्छा होती तुला भेटायची। अरे बघा सुंदर मागे, अरे अच्छा मागे होते तुम्ही? हा मी थांबलो पण होतो एका ठिकाणी। करण आहे, करण करण आहे, प्रेम रे प्रेम आहे, बाकी काय नाही। तिथे दुकान आहे हरिणा सर्कलला, तर गाडीला फोमिंग वगैरे करेल, लदाखला तुला जायचंय ना, जेल सीट वगैरे। कार्ड आहे, कार्ड आहे तुमचं? कार्ड नाहीये, मी तुला नंबर नंबर ते तिथे येत आहेत तिथे पुढे, माझ्याकडे बघू नको तू। आता मी काय नाही नाही बोलू शकत, कळलं ना मला? ते बघ ते बघ, हा कुठला सिग्नल सोड नाही। एकच मिनटं थांबून लगेच निघूया, एक फोटो काढेल तू का तसे, काय विषय नाही, चालते। ऐक फुल इज्जत भाऊ, तू कसा भेटला यार, कसा भेटला यार मला, तुम्ही कसं काय ओळखलं? ही गाडी बघितली मी, या गाडी मी जिथे कुठे मला ही गाडी दिसेल मी त्यासाठी ही आहे ना, ही एवढी ओळखून येत नाही माहितीये गाडी, माझं स्वतःच बाईकचं शॉप आहे, तर मला मी गाडी एकदा बघितली की ओळखून जातो। मी लास्ट टाइम चेतनला वगैरे पण भेटलो होतो, तेव्हा बोलणं झालं नव्हतं भिवंडी साईडला, कालच मोबाईल घेतला होता। अरे कॉन्ग्रॅच्युलेशन, त्या आपण फोटो काढू याच मोबाईल मधनं, रेडी? अजून एक काढू, नाही ते हेल्मेट काढायचं बोलतायत। पटकन काढतो घालतो, घालतो बीएमडब्ल्यू का ना ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा शहर में हो रहा है, सिटी में हो रहा है, क्योंकि है ना यहाँ पे लोग कंटिन्यू देख रहे गाड़ी को बड़बड़ के, बच्चे देख रहे, बूढ़े देख रहे, अंकल देख रहे, सब देख रहे, और अच्छा लग रहा है। मतलब इस गाड़ी को जो लोग जानते हैं ना वही उस गाड़ी को समझ सकते हैं कि ये गाड़ी क्या आइटम है, बट ठीक है, सरल सरल ताठोबा ताठोबा गेम प्ले।
अभी स्ट्रेट स्ट्रेट जाके राइट मारना है। आईला कॉल कंटिन्यू येत आहे रे शी। गाइस मैं करण को नुसता घुमा रहा हूँ इधर उधर, मुझे आया था मनी मेव का कॉल, मैं उससे बात कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ये वो इशे है। एक दिवारा। नमस्कार नमस्कार, कुठे घेऊ गाडी? तिथेला बुलेटच्या बाजूला। हा अच्छा लगा। हा हेल्मेट काढायच आहे। कसं आहे लुक? कसा आहे? हा मस्त आहे। ऑटोमोटिव्ह आपण यहा पे आ रहे दोस्तो, H9 ऑटोमोटिव्ह। और नमस्कार नमस्कार, कसे सर? चालेल चालेल, दळवी मराठी आहे। अरे पोलीस जात। आणि करण कसं वाटलं माझ्याबरोबर रस्ता चुकून चुकून? ब्लॉग मध्ये फुल बेइज्जती केली असेल ना? अच्छा राहू, जॅग्वार आली आहे पीपीएफ करायला, मस्त गाडी। चला थोड़े से फ्रेश हो गया। ये है H9 ऑटोमोटिव, अपने को करके देने वाले पीपीएफ का विषय। मस्त एकदम क्यूट सा शॉप है, मेन मतलब एसी है क्योंकि इस वक्त एसी की बहुत कदर आए। वाट लगी है, देखो पूरा भीगा हूँ मैं, पूरा वन साइड भीगा। BMW है दोस्तों, BMW की फोर व्हीलर। इसका आवाज सुना रहे अपने को सर? आवाज सुनते देखो कैसी गाड़ी का आवाज है, खच की आवाज। बरोबर है। एक आवाज तो बादशाह है, जैग्वार का आवाज भी देखो। काय सूट पण होते गाडी, सूट पण होते गाडी। मस्त गाडी आहे, इज्जत आहे। ज्याची पण कोणाची गाडी आहे, इज्जत आहे। करण भाऊ मी जरा चाललो गाडीच बघतो डील। मस्त आहे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना चाललंय। घ्या घ्या चालेल, घ्या घ्या। राहून मारा चाललंय इथेच ना? हवा खातो का एसीजी फ्री मध्ये? जॅग्वारची एसीजी हवा काय? घ्यायची कधी घ्यायची? तो हुड के अंदर का भी माल देख लेते हैं। हाँ पहिल्यांदा बघतो बरं वाटतंय। हाँ हाँ, जॅग्वारचं इंजिन। नुसता खर्च रे, नुसता खर्च। अभी क्या हुआ? करण है ना, करण उसकी हो गई हवा टाइट बाइक चला चला के। तो मैं बोल रहा हूँ मैं चला लेता हूँ, अभी मैं बाइक चलाता हूँ। अपन BM यहाँ पे रखने वाले हैं और ये लोग BM का ख्याल रखेंगे, उसका काम करेंगे। दो दिन तो अपने पास है, दो दिन में कुछ अलग विषय करेंगे, है कि नहीं? निंजुड़ी के साथ टाइम बिताएंगे। हाँ फ्रेम नहीं, फेम फेम बोल रहे। चला चला, टेक केयर। ओ हाँ हाँ, चला 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 गाइस। हाँ हाँ नक्की नक्की, भारी पोरे। चलो हम चले बोह लद्दाख। करण जी रोड बताइए जनाब, आपकी लायकी नहीं है करण जी, रुको पड़े ना भाई, इथून आलो बाबा, बाबा इथून आलो। बाबा मला असं वाटतंय की ठीक आहे, जर तू बोलतोय ठीक आहे, मी ऐकतोय, पण जर तू चुकला अरे मग सेमच आलं असतं ना शेट। नाही इथून पण नाही, इथून पण नाही, समोरून समोर। यू आर राईट ब्रो, यू आर राईट। चोबा चोबा चढ चुप्पा। हा तो अजून तसाच आहे भाई, फुल नैराश्यात आहे। हे मला सुसूला झोंबतय भाऊ, काय विषय? जरा उन्हामुळे त्रास होतोय गाईस, मला ऊन का त्रास हो रहा है। अरे नहीं ऊन की वजह से झोंबता है वहां पे भाई, तुमको नहीं पता। तिड़िक तिड़िक बोल तिड़िक। ए करण उधर गाड़ी छोड़ के आने में मुझे बहुत ऐसा वाइट वाटा है रे दोस्त। किसी को भी रोड न मालूम होने की वजह से अब हम अपना अनपढ़त्व मोबाइल पे निकाल रहे हैं, मोबाइल पे लगाते हैं। क्या गाँव नहीं, नहीं 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 भाई, ये मोबाइल है ना, ये प्रॉपरली फ्यूचर रेडी है। देख ये ऐसा चम 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 मामा मम चम चम, ये हो गया फिटिंग्स। इसका सेंसर गया तो भी डर कोई गम नहीं है। सुबह हम नींबू पानी पी गए निकले है इस, नींबू पानी या हल्दी का दूध। हाँ हल्दी का दूध पिया था मैंने, वो पी के मैं निकला हूँ। और उसके बाद कोकम शरबत बस पिया वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने ऑफर भी दी कि खाना खाया है क्या आपने, तो मैंने झूठ बोला कि मैंने खाना खाया, क्योंकि आपको पता है अपना कैसा रहता है। और हम खाने के लिए रुकने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम दोनों सोच रहे कि खाने को रुकेंगे तो कंटाला आएगा, रुको ये जैकेट निकालो जेओ। इससे अच्छा हम डायरेक्टली अपने लेवल पे अपने अपने घर चले जाते हैं, मेरी चचड़ी। तो हम घर निकल चुके हैं,
बाकी अगर रस्ते में कुछ रुकने का प्रबंध हुआ अचानक में भयानक तो देखते, ओके मेरी कक्को बड़ा। बाकी गाड़ी चला के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। करण बोल रहा है कि तू झूठी तारीफ कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, हिमालयन दीप क्वालिटी बाइक है, कोई विषय है। देखो ना बिंदास एकदम मस्त, एक 70-80 की एकदम अच्छी सी स्पीड में हवा खाते हुए हम आराम से जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है बताइए। मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा है कि मैं BMW से हिमालयन पे बैठा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप ऊपर आ गया हूँ मैं। हाँ करण जी सुन रहे हैं अभी मैं बोल रहा हूँ तो खुश हो गए होंगे वो। ट्रैफिक ट्रैफिक और बस ट्रैफिक, यही है एक सुंदर सी लाइफ। नहीं मैं निकाल रहा हूँ लेकिन बहुत तकलीफें हो रही है। हाँ वैगनार है ना छोटी, वैगनार ओपी। तरी त्यातल्या त्यात टू व्हीलर है ना गाइस, इसलिए ज़रा सहमति मिलती है कि भाई चल निकाल पाएंगे। फोर व्हीलर होगी ना तो तकलीफ होती, बट फोर व्हीलर में कैसा है ACBC रहता है तो तकल्लुफ नहीं होती। हिमालय भाई किधर भी डालो ब्रो, मजा के क्या। हाँ पूरा खचाखच ट्रैफिक, इतनी गर्मी में हालत हो जाती है हालत। मुझे ऐसा लगता है कहीं पे रुक के उसाचा रस या नीरा विक्री केंद्र मार ले कच करके, जरा रहमत मिलेगी। काका जाऊ देत नाही आहे ते बघ, जसे त्या फटीतनं उडवून देणार आहेत गाडी। काका आम्हाला जाऊ द्या ना जरा, अहो टू व्हीलर आहे तो बघ याला एक एक गॅप तर द्या। सॉरी काका, येस। हाँ अभी कैसा, इधर से अपन चंचू पर आती जाएगा, जगह तो है ही नहीं आगे। तकलीफों से भरी ये जिंदगी मेरी, ओ काका नहीं त्या गाडीला टिळा लावलाय। ऐसे रोड पे ना करण निंजा होती है ना, निंजा तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले उधर ही, इतनी गर्म होती है वो। अभी थोड़ी देर पहले जरा रश ड्राइविंग कर रहे थे वो, इसलिए मैंने शूटिंग चालू की दिखाने के लिए आपको, बट वो शांत हो गए, उसका थूक भी कर रहे रोड पे ऐसी। 10 सेकंड बाकी, अब अपन करेंगे चोबा चोबा गडगोबा। कॉल आया मुझे, इसका कॉल आया, इतनी देर से जिसको कॉल कर रहा हूँ, किसको पत्या चल जोरू का गुलाम साला, कब से कॉल कर रहा हूँ उठा नहीं रहा, बिजी आ रहा है फ़ोन। और अभी मुझे मैं भी थोड़ा सा कटबीट करूँगा ना, इज्जत है कि नहीं मेरी को। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल का टाइमिंग है ना इरीटेट करता है, इरीटेट। ये लड़का देखो कितना कुतूहलता से देख रहा है बेचारा, इसका नाम है दत्तू। दत्तू या राइडर को देख के वो खुश हो जाते हैं। वो बस वाला इतना हॉर्न क्यों मार रहे रे, मुझे लगता है श्रीमान फैमिली मेंबर है। कचुम्बर होते हैं ब्रो। दोस्तों हम आए हैं एक होटल में, हिमालयन पे डबल सीट, मतलब कंबर का कांटा टूट गया इसका भी और मेरा भी दुख रहा है अभी, और मैं पूरा भाष पड़ गया अंदर से। मैं जाते वक्त रॉयल गया था, मतलब गर्म हो रहा था, बट ये ऐसी बॉडी की हालत नहीं हुई थी भाई। अभी लद्दाख ट्रिप है ना, बहुत टफ लगने लगी है, घर जाते वक्त टफ लगने लगी है, क्या हाल होने वाले हैं हमको हमारा ही पता। देखते देखते मजा आएगा। अभी खाना खाऊंगा ना तो ज़रा एनर्जी आएगी। उनको मैंने बोला तंदूरी रोटी होगी तो ही मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं कोई तो फिर मैं जूसी पी के एडजस्ट कर लूँगा मेरी चचड़ू। फिर अपना ये कहेंगे बोले जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। देखो दोस्तों मिसल आ गई, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं था, तंदूरी रोटी नहीं थी तो मेरे को दिमाग में नहीं था मिसल। करण ने बोला कि मिसल मंगाओ इसको, तो मैंने मिसल मंगाया। अभी मैं मिसल खा के शरीर को तृप्त करता हूँ भाई साहब। अरे यार काय मागवले भाई, काका ऐक ना तो उत्तप्पा कॅन्सल करा। आई चिकट कट इथे बघ, एवढा मोठा डोसा कर करण, ये पेपर डोसा कोणचे आयटम, मैं पहिली बार देख रहा हूँ ये पेपर डोसा। खईस डोसा है, खईस डोसा, पेपर डोसा नाही भाई। चिकट कट रे, हे तीन जणांचा डोसा आहे, चला मी खाई ना। अच्छा देखो मिसल तो मैंने खा ली, अभी थोड़ा पेपर डोसा भी खा ही लेता, अभी क्या ही करें, अपने भाई को सपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन पेट ऑलरेडी फूक गया है मेरा, बट फिर भी मैं खाऊंगा मेरी चबूर। दोस्तों
डोसा खाते खाते थकावट आ गई है, नहीं हो पा रहा है। ये देखो करण जी, महीने आइए क्या? गाइस मेरे को ना काका ने रोकना चाहिए था, एक्चुअली मैं सादा डोसा बोलने वाला था, मेरे मुंह से गलती से पेपर डोसा निकला, इन्होंने छाप दी पूरी न्यूज। क्या है इधर तक ही खत्म हुआ है और ये नहीं बाकी, और एक खाते खाते इधर ही नींद आ रही है मुझे, मुझे ऐसा निराश आ गया, एकदम रिलैक्स। मेरे में कैपेसिटी नहीं है पेट में, देखो पेट कितना फूक गया है, देखो आप देख सकते हो, मैं कुत्ते की तरह खाया हूँ, चार पाव मिसल और ये जूस और ऊपर से ये भी। मैं निंजा पे इतना राइड किया हूँ, इतनी थकावट नहीं हुई जितनी आज हुई है जाते वक्त, क्या मतलब रिटर्न मारते वक्त, पता नहीं क्यों, मे भी उनाड़ा वाड़ गया है ना, और दूसरी चीज खाना भी नहीं खाया था, खाने को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा बैठता हूँ, ये होटल अच्छा है अद्विका करके, यहाँ पे जीवन अच्छा बैठता है, वेज नॉन वेज सारी चीजें क्वालिटी है, कभी आओगे करण भाई के इलाके में तो होटल पे जरूर विजिट देना। लेट्स गो बच्चा। ट्रैफिक ना दोस्तों, ये विल्ली मारने की कोशिश कर रहा है इतनी ट्रैफिक में, मेरी तो फट गई है, मैं तो दूर हो गया बाबा। ये देखो गैप देखो कितनी रखी है लोगों ने, सबकी फट गई है, सबको लग रहा है ये सर पे आ गया तो करे क्या। वो देखो देखो नुस्ता उड़ते, वो उड़ोते भाई उड़ोते फूल उड़ोते। हे भाई इतने क्या हाल है, ये टोना था यार, टोना इसको तो टोना हो गया। करण तेरा इलाका है ना, तेरा इलाका, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, क्यों इधर शिफ्ट हो रहा हूँ। नहीं तू शिफ्ट हो जा दोस्त, ये ना नहीं जम रहा है रे, बहुत रे इधर विचित्र ट्रैफिक रे सी, दिन रात काम चल रहा है, एकदम स्लो काम चल रहा है रे ब्रो, इससे अच्छा मैं मेरे अहमदाबाद में अच्छा था यार। छी के क्या है फालतूगिरी करण भाई, हाँ हो ना फुल माती पाया। बहुत थकान भरी ये प्रवास रही, लेकिन हम आ गए घर पे, और मैं घर पे आने के बाद तुरंत मेरा एक काम चल रहा है, शूट चल रहा है, उस पर मेरा फोकस चल रहा है, स्ट्रीम करनी है सारी चीज़ें, मैं आपको बताऊं तो क्या ना बताऊं, मेरी जाने जजूरी, लेकिन मज़ा आया, ओवरऑल दिन बहुत अच्छा गया। अभी गाड़ी जब रेडी होगी तब गाड़ी को लेने जाने का विषय करने वाला, मैं आपको बोला था कि हमारा प्लान बनने वाला है कल का या परसों का एक जगह पे जाने का, तो वो कैंसिल हो गया है फिलहाल के लिए कामों की वजह से, तो अभी मैं फिलहाल स्ट्रीम ही कर रहा हूँ और एक शूट है वो करने वाला हूँ, और कोई ना कोई राइड करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास बिमूड़ी नहीं है, लेकिन निंजुड़ी हमेशा रहेगी मेरी जाने चोचो, तो निंजुड़ी पे कुछ फनी सा मोटो व्लॉग बनाएंगे, तब तक आप वेट करना ठीक है। और आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट चाहिए भाई का कोड यूज करना श्रीमान 20, एंजॉय। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुका।